जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो किस शक्ल में प्रोड्यूस होते हैं। तो लेट अस बिगिन। तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या अवेलेबल है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है जी ट्रेंजेंट, प्लस में है दी कॉट और होल का स्क्वायर है। एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ दो आइडेंटिटीज यूज करेंगे। टेन की जगह लिखते हैं कॉस साइन ओवर कॉस, जबकि कॉट की जगह लिखेंगे कॉस ओवर साइन। होल स्क्वायर्स हैं। एलसीएम चेकअप करें तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट साइन स्क्वेयर थीटा, जबकि यहाँ आ जाएगा जी कॉस स्क्वेयर थीटा, और बाहर वाला होल स्क्वेयर वैसे ही रहेगा। तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा की जगह आइडेंटिटी लगा दें तो यह आ जाएगा साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा, होल स्क्वेयर है। तो इनका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा, और ये जो साइन है इसका रेसिप्रोकल लें तो ये बनता है, आई शुड राइट अगेन, साइन का रेसिप्रोकल बनता है कोसेकेंट थीटा। जबकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंट थीटा। तो चूंकि ये होल स्क्वेयर है इसको यहाँ थोड़ा एक्सपेंड कर लें तो ये बन जाएगा क्या, कॉस सेकेंट स्क्वेयर थीटा इंटू सेकेंट स्क्वेयर थीटा। आप इनका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि सेकेंट स्क्वेयर थीटा को पहले लिख दें, कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा को बाद में। तो यही आपको राइट हैंड साइड पे प्रोड्यूस करना था। तो चूंकि क्वेश्चन लेंथी है और जगह ज़्यादा लेगा, लिहाजा मैं इसका सलूशन यहीं से शुरू कर देता हूँ। तो थोड़ा सा इसको सिंपल रखने के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ टर्म आपके पास मौजूद है टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस वन, तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा प्लस वन से, और डिवाइड भी इसी से कर देते हैं। इस दौरान जो दूसरी टर्म नीचे है वो भी लिख देते हैं, जो कि टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंट थीटा प्लस वन। अब ऊपर तो आइडेंटिटी बन चुकी है तो वो आइडेंटिटी हम चाहें तो वैसे लिख दें, क्योंकि एक आइडेंटिटी है जी टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ये स्केयर ऑफ द फर्स्ट हो गया, और माइनस हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्केयर ऑफ द सेकेंड यानी वन जो है उसका स्केयर। नीचे वाले टर्म्स को थोड़ा सा हम अगर रीअरेंज कर लें तो आप देखें कि इसे हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा प्लस वन माइनस सेकेंड थीटा कर देते हैं, जबकि ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस वन प्लस सेकेंड थीटा। तो नीचे वाले टर्म पे भी ताकि हम आइडेंटिटी लगा सकें, तो ऊपर वाले टर्म पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यू विल राइट टेन स्क्वेयर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वेयर थीटा प्लस टू सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, जबकि यहाँ माइनस वन है। इन पर एंटी लगाएं तो यह आ जाएगा टेन थीटा प्लस वन होल स्क्वायर, जबकि यह आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये थोड़ा सा चूंकि क्वेश्चन लेंथी है तो ये बाकी पोर्शन में यहाँ थोड़ा ऊपर हल कर देता हूँ। तो यहाँ टेन थीटा स्क्वायर थीटा जो है उसको वैसे लिख दें टेन स्क्वेयर थीटा प्लस जो सीकेंट स्क्वेयर थीटा है इसको और माइनस वन को कंबाइन कर दें और
टू सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा वैसे लिखते हैं। अब हम बढ़ते हैं ओवर की तरफ, स्केयर को एक्सपेंड करते हैं, तो ये आ जाएगा टेन स्केयर थीटा प्लस वन और प्लस आ जाएगा टू टेन थीटा, जबकि यहाँ है माइनस सेकेंड स्केयर थीटा। तो यहाँ दो आइडेंटिटीज में यूज करूँगा, ये टेंजेंट स्केयर थीटा को वैसे रहने देते हैं, सेकेंड स्केयर थीटा माइनस वन जो है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं टेन स्केयर थीटा से, प्लस में क्या है जी टू सेकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, जबकि यहाँ ओवर में क्या मौजूद है जी टेन स्केयर थीटा है प्लस वन। तो ये जो टेन स्केयर थीटा प्लस वन है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सेकेंड स्केयर थीटा से, ये प्लस टू टेन थीटा जबकि ये है जी सेकेंड स्केयर थीटा। तो ये सेकेंड स्केयर थीटा इससे टोटली कैंसिल हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये टेन और टू टेन मिलके टू टेन स्केयर थीटा हो गया, जबकि ये है जी टू सेकेंड थीटा। अच्छा, मैं एक ही स्टेप में एक काम और कर रहा हूँ कि ये जो नीचे टू टेन थीटा रह गया इसे पहले मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देता हूँ और फिर सेकेंड टर्म से। जब फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे यू विल गेट ओनली टेन थीटा, और जब सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे टेन टेन से कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट सेकेंड थीटा रह जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यही देखें, राइट हैंड साइड पे आपने प्रोड्यूस भी करना था, तो इस तरह से ये जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ से ऊपर मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करें राइट हैंड साइड को अलग, या एक स्टेप थोड़ा हम ऐसा कर लेते हैं कि सिर्फ ये साइन वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है जी कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, उधर से जो कोसेकेंट और कॉट वाली टर्म है इसे हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा ये आ गया। अब राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा जी वन ओवर साइन थीटा प्लस वन ओवर साइन थीटा। तो अब आप चाहें तो इनको इकट्ठा साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लें तो आप देखें क्या आएगा जी कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका प्रोडक्ट किस से लिया जाएगा कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा से, तो यहाँ आ जाएगा जी कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस ये आ जाएगा जी कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। इनका अगर हम एलसीएम चेकअप करें तो ये टू साइन थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें कॉट से कॉट कैंसिल कोसेकेंट डबल हो गया, तो यू विल राइट टू कोसेकेंट थीटा। नीचे जो है आप इस पेरेंटी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा स्केयर ऑफ द फर्स्ट माइनस स्केयर ऑफ द सेकेंड, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो कोसेकेंट स्केयर बराबर होता है किसके, आपको पता है कि वन प्लस कॉट स्केयर थीटा का, तो वन प्लस कॉट स्केयर थीटा, यहाँ माइनस कॉट स्केयर थीटा है, ये टू ओवर साइन थीटा है, तो ये कॉट स्केयर से कॉट स्केयर कैंसिल हो सकता है। थोड़ा सा जो रिमेनिंग पोर्शन है मैं यहाँ एरो डाल के यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ, तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा टू कोसेकेंट थीटा, जिसको प्रूफ करना है टू ओवर साइन थीटा। और आपको पता है कि जो कोसेकेंट है जब हम उसको लिखते हैं तो वन ओवर साइन बन जाता है, तो अब आप देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब सेटिस्फाइड, ये सब प्रूफ हो गया। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा हटके था, तो इसलिए मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट करना मकसद होता है, तो हमने इसे इक्वल प्रूफ कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त भरमार है आपको पता है आइडेंटिटी की, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है उस पर आप क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो यह है साइन क्यूब थीटा माइनस है जी कॉस क्यूब थीटा, और आप सब जानते हैं जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं जी साइन थीटा, या अगर आप नेक्स्ट स्टेप को नीचे लिखना चाहें तो हम वहाँ भी लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट माइनस सेकेंड
फिर क्या होता है जी, स्केयर ऑफ द फर्स्ट प्लस स्केयर ऑफ द सेकंड और फिर प्लस होता है दरमियान में फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं वैसे ही लिखता हूँ। अब ये जो साइन स्केयर और कॉस स्केयर है इनको कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा वैसे आ जाएगा, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह वन, तो ये आ जाएगा साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। तो शायद हमें यही राइट हैंड साइड पर प्रोड्यूस करना है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करें, अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख भेजें।